गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज रियल नंबर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में नंबर वन सॉल्व कर दिए थे। आज दूसरा और तीसरा को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे ये एचसीएफ निकालता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। दूसरा का एक का दूसरा दिया, कितना कितना दिया है, एक 196 और 338,220। इसी का आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान तरीका से बनना है इसको। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, यहाँ जो पिछले वाले क्लास में भी पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, यहाँ क्या है 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। ऐसे लिखेंगे यहाँ करके, और बगल में सबसे पहले बगल में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे निचले क्लासों में हम भाग देने का काम करते थे, वैसे भाग देंगे। जो बड़ा होता है उसको हम बीच में रखते हैं, जो कि भाज्य कहलाता है, ठीक है, और किनारे वाले को भाजक कहते हैं, जो कि यहाँ पर रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, भाग साइड में, बगल में, साइड में करेंगे। तो लगेगा कितना, मतलब पहले देखिए कितना टाइम्स के कितना से भाग लगेगा। पहले एक से भाग लगाएंगे तो यही आ जाएगा 196। अब क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे यहाँ, तो 12 में से 6 गया 6, और ये हुआ 7। एक यहाँ से हासिल लेंगे तो हो गया 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो आए बचेगा 8, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 आया। अब कितना उतारेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अब लगेगा कि कैसे लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, 9 से लगा लेंगे। कितना से लगाएंगे, 9 से करते हैं। 6 × 54 के 4, 6 × 54 के 4 हासिल 5, और 9 × 81 5 = 86। यहाँ कैसे ठीक से लिखेंगे, 6 × 54 के 4 ठीक से लिख देते हैं, ये 2 आया, 54 के 4 हो गया। 6 × 54 के 4 5 9 × 81 और 5 = 86 का 6, और फिर 8 × 9 = 8 = 17 हो गया। तो कितना आया, देखिए यहाँ पर आया 12 में से 4 जाएगा, एक हासिल लेंगे 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर शेष 8, उसके बाद 15। ये क्या हो गया, ये हासिल लिए थे ना, तो 15 ये हो गया, 15 में से 6 जाएगा, 9 × 6 = 15 हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपका हासिल लिए थे तो ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब क्या क्या अंक आएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए एक बार। अब देखिए फिर लगाएंगे ये 5 से भाग लगाएंगे, 5 से तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा, 980 आ ही जाएगा, तो ये पूरा घट के क्या होगा, 0 हो गया। तो एचसीएफ जो लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा जो एचसीएफ लेते हैं, तो रिमाइंडर को शेषफल को शून्य पर लाना ही होता है। अब इसी को हम इसको लिख देंगे, इस बगल में रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
ये साइड में रहेगा, साइड में करके रखेंगे, और इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करने पर क्या होगा। आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्या, वैसे एक बार में ही कट गया भाग लग के, तो क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, भाजक गुने भागफल जोर शेष फल, ये भाज्य के बराबर हो जाता है। तो वही भाज्य के बराबर होता है, इसी को लिख देना है। 38,220 को क्या लिख सकते हैं, 38,220 को हम लिख सकते हैं कितना, 196 गुना 195 जोर शेष फल, ये क्या हो गया भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल अजोर शेष। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो शेष बचा उसके सामने वाला जो भाजक होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो लिख देंगे अतः एचसीएफ कितना का, 196,38,220, नहीं इसको ऐसे करके घेर लेंगे, बराबर लिख देंगे 196, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से ये 1 का 2 समाप्त हुआ। अब देखिए फिर बना लेते हैं, तीसरा को बनाएंगे, देख लीजिए एक बार गौर से, तीसरा देखिए कैसे बनेगा। तीसरा को लिख देते हैं यहाँ से, एक मिनट, देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले ये है ना, अब लिखेंगे क्या, तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे 867 और 255, तो यहाँ लिखेंगे 855 है ना, 8, तो कहेंगे यहाँ सेम वैसे ही है, यहाँ 867 बड़ा है किससे, 255 से, ठीक ना, 255 से बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, बगल में इसको ये बला को घेर लेते हैं ऐसे करके, और ये बगल में क्या करेंगे हम, ये बीच में क्या रखेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे कितना से, 255 से करेंगे, ठीक है, साइड में ऐसा काम करेंगे इधर। अब देखिए कितना से लगेगा, पहले किसको कर लेते हैं सॉल्व, तब इधर बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, देखिए 3 से लगाइए, पहले 3 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 5 = 15 = 16 हासिल, फिर 1 रहा, 3 × 2 = 6 = 7। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसको बीच में ला, इस ए वाले को बीच में लाएंगे, भाजक को लाएंगे, अब इसी भाजक को लाएंगे यहाँ से बीच में, तो कितना हो गया 255, ठीक है। अब लगेगा 2 से लगाएंगे, 2 से भाग लगा लेंगे तो 102 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 204, ठीक है। फिर घटा लेते हैं, 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, और ये तो कट गया। अब क्या लेंगे, इस भाजक को लेंगे कितना है, 102 को लेंगे तो ये क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 102 आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ भी 0 आ गया। ये काम बगल में करना है जो कि स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, लिखने में आसान होगा। बस इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख देंगे, यूक्लिड
यूक्लिड, ये लिखना अनिवार्य है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गो रिदम का प्रयोग से, ठीक है ना। अब लिख दीजिए कितना लिखेंगे स्टेप होगा, पहला स्टेप कितना लिखेंगे 867 को क्या लिख सकते, 867 को लिख सकते 255 भाजक गुने भागफल, और जो शेष कितना है 102। यहाँ तक पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप पे इसको लिखेंगे, 255 को लिखना है, बीच वाला को लिखना है कैसे, 255 बराबर हो जाए कितना 102, मतलब भाजक गुने भागफल, और जो शेष कितना 51 आया। फिर तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, 102 को लिखेंगे, कितना लिखेंगे 102 बराबर कितना हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, भाजक कितना 51 गुने 2, अजोर शेष फल 0 आया। अब 0 के सामने वाला ये जो भाजक होता है, यही आपका, ये जो भाजक होता है, ये भाजक यही आपका SCF होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, अतः HCF कितना कितना का 867 कॉमा 255 बराबर कितना आ गया 51, यही आंसर हुआ। इस प्रकार से हम देखें क्या कि भाजक ही इस क्वेश्चन में भी देखिए, भाजक ही आपका SCF बनता है, यहाँ भी देखिए भाजक ही इसका SCF बनता है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से कैसे SCF निकाला जाता है, जो कि हम इस वीडियो में सीखे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।